Hi friends, now we are discussing the interview questions on a threading in a Java. So guys, we have a question. What is the context switching in a threading? Basically, if we talk about context switching, so what is the context switching in a multi-threading in Java? Context switching is a process or a thread which can restore or re-execute the execution from a point, from a same point where it is in a waiting position. राइट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब थ्रेडिंग की एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस में थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन जिस पॉइंट पे उसने स्टॉप किया था या जिस पॉइंट पे वो वेटिंग पे चला गया था उसी सेम पॉइंट से री एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, हम इसे टेक्निकल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऐसे कहते हैं। हम इसे टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। राइट, इन द केस ऑफ थ्रेडिंग context switching performed by a wait, notify and notify all method. अगर हम threading की बात करते हैं तो context switching normally कैसे? threading की बात करेंगे तो context switching normally wait, notify और notify all method के जरिए ही किया जाता है. This is very more important part. मैं आपको एक example बताता हूँ. जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास दो threads हैं, classy. जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास वही हम टेबल वाला एग्जांपल यूज करते हैं, क्लास टेबल, क्लास टू एक्सटेंड थ्रेड, क्लास थ्री एक्सटेंड थ्रेड, पब्लिक क्लास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऐप, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन string of x, void show table int of a number, try catch exceptions of e, system dot out dot println error is plus of e. आप इस मेथड को ऐसे लिखिए, सिंक्रोनाइज वाइड शो टेबल फॉर int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी i कॉमन नंबर i इंटू ऑफ ए नंबर, थ्रेड डॉट स्लीप ऑफ 1000. ओके, अभी आप यहां पे अगर आप आते हैं तो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा. फिर आप यहां पे ऐसे लिखिए void set table, table of a table, table of a table, this dot table equal to of a table, public void run table dot show table of a 2, show table of a 3. Right, so it is your table class. Right, अगर आप यहां पर देखिए इसे सिंक्रोनाइज़, ये पढ़ा है मैंने प्रीवियस, table of a t1 equal to new of a table. If I write here 2 of a tw equal to new of a 2, tw dot set table of a t1, tw dot start table of a t2 new of a table, t2 dot set table, sorry table ka nahi yahan pe, sorry galat hua, yahan pe aise chahiye 3 of a th
new of a 3, th dot set table of a t1, and we can say th dot start. File save, context switching app.java. Context switching app.java. Java C context switching app.java. Java context switching. Okay, अभी देखिए कंप्लीट हुआ तो मुझे क्या लगता है ये जो यहां पे अगर आप आते हैं देखिए ये टू थ्रेड और ये थ्री थ्रेड ये दोनों भी कंप्लीट चल रहे हैं मुझे लग रहा है दोनों भी थ्रेड फाइव फाइव टाइम में चलने चाहिए इफ आई राइट इफ आई इक्वल इक्वल ऑफ फाइव इफ आई राइट हियर वेट ऑफ ए 50,000 मिली सेकेंड्स अभी देखिए यहां पे क्या होगा अभी अगर आप देखते हैं तो आपके पास दो थ्रेड है एक थ्रेड है टू एक थ्रेड है थ्री ये आपका टू टेबल है ये टू वाला थ्रेड है और ये आपका थ्री वाला थ्रेड है ये जो टू वाला थ्रेड है ये आपका फाइव टाइम चलेगा और ये थ्री वाला थ्रेड है ये भी आपका फाइव टाइम चलेगा तो दोनों फाइव फाइव टाइम जाके वेटिंग में चले जाने चाहिए और जब वेटिंग में चले जाएंगे तो 50 सेकंड के बाद फिर से वापस से फिर से फाइव से ही स्टार्ट होने उस मतलब देखिए ये 50 सेकंड वेटिंग में चले जाएंगे और 50 सेकंड के बाद उसी पॉइंट से वो स्टार्ट करेंगे जिस पॉइंट पे रुके थे 50 सेकंड के बाद ये उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिस पॉइंट से ये क्या थे रुके थे इसे टेक्निकल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऐसे कहते हैं इसे टेक्निकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऐसे कहते हैं मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं अगर आप यहां पर अगर आप आते हैं देखिए आप इसे रन कीजिए अभी देखिए दोनों भी देखिए मतलब क्या है टू वाला भी फाइव टाइम चला थ्री वाला फाइव टाइम चला तो ये जहां से रुके थे ना टू वाला फाइव से रुका है थ्री वाला फाइव तक रुका है तो ये उसी पॉइंट से स्टार्ट होंगे री एग्जीक्यूशन हो जाएगा ना देखिए वेट क्या है वेट में 50 सेकंड है मतलब ये 50 सेकंड के बाद जब ये स्टार्ट होगा तो सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा जिस पॉइंट से रुका था तो टेक्निकली इसी पॉइंट को हम टेक्निकल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं गाइज ओके तो टेक्निकली हम इसे ही टेक्निकल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मानते हैं राइट अब देखिए हो जाएगा थोड़ा वेट कीजिए 50 सेकंड बहुत लगते हैं व्हेन वी अगर हम कंटिन्यूअसली देखेंगे उसे तो लगा तो मैं देखिए आ जाएगा 50 सेकंड रुकना आप सिर्फ मैं थोड़ा वेट करता हूं देखिए ये कहां से स्टार्ट हो गया वापस स्टार्ट हो गया ये देखिए सेम सेम पॉइंट से स्टार्ट मैंने रिज्यूम किया था इसीलिए थोड़ा सा ये हुआ लेकिन देखिए फाइव तक रुका था तो ये सिक्स से स्टार्ट हो गया पहले टू और पहले थ्री बाद में थ्री स्टार्ट हुआ तो ये जो था ना इसे हम टेक्निकल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओके थैंक यू